फिर से स्टार्ट कर। और ये सर्किट है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है? क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, ये वहां का कोई 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5, ठीक है? अभी इसमें चेक करो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S है क्या? नहीं है। 1/2 इक्वल टू 3/4 होता है क्या? यानी ये क्या है? अनबैलेंस ब्रिटिश स्टोन ब्रिज है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है डेल्टा टू स्टार कन्वर्सन, ठीक है? कैसे स्टार? डेल्टा टू स्टार कैसे करेंगे? जैसे सपोज एक रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2, और ये रेजिस्टेंस क्या है? R3। R3 है, ठीक है? इसको इसके इक्विवेलेंट स्टार में कन्वर्ट करेंगे। ये इसका इक्विवेलेंट स्टार हो गया। हाँ। इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका है R2, इसका है R3। तो कैसे करेंगे? ये हो गया तुम्हारा डेल्टा, ठीक है? ये था तुम्हारा R1, R2, R3। इसमें इक्विवेलेंट स्टार बना लो। ये हो गया R1, R2 और R3। एक फॉर्मूला है R1 इक्वल टू क्या करोगे? ये R1 ये दोनों के बीच है तो R1 इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 पूरा लेंगे। वैसे ही R2 इक्वल टू किसके बीच का आएगा? R2 R3 और सही का, तो R2 प्लस R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है? अब ये R3 किसके बीच का है? R1 R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला है। इससे आपको क्या मिल जाएगा? R1 R2 और R3 मिल जाएगा।